1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद आसपास के पर्वत श्रृंखलाओं पर सैन्य चौकियां स्थापित करके सियाचिन ग्लेशियर को नियंत्रित करने का दोनों देशों का प्रयास हो और 1980 के दशक में दोनों पड़ोसियों के सैन्य बलों के बीच लंबी अवधि तक के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सशस्त्र संघर्ष चल रहा था। हालांकि 1990 के दशक के दौरान कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के कारण तनाव और संघर्ष बढ़ने लगा। साथ साथ 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किया और उसके कारण माहौल और भी उग्र बन गया। स्थिति को शांत करने के प्रयास में दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किया, जिसमें कश्मीर संघर्ष का शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय समाधान प्रदान करने का वादा किया गया था। पाकिस्तान धोखे के साथ लाहौर घोषणा से पहले और घोषणा के समय पाकिस्तानी सेना द्वारा कारगिल जिले के पर्वत शिखरों पर घुसपैठ कराया गया। शिमला समझौता का अनुसार दोनों देशों का सेना सर्दियों में इस एरिया से निचले हिस्से में आ जाता है, क्योंकि इस एरिया दुनिया का सबसे ठंडा इलाका है, जहां सर्दी में ठंड -60 डिग्री तक चला जाता है। समझौता का आधार और विश्वास पर भारतीय सेना ने हर बार की तरह इस बार भी इस क्षेत्र सर्दी को खाली कर दिया था, लेकिन धोखे के साथ पाकिस्तान ने घुसपैठ किया। पाकिस्तान ने घुसपैठ को ऑपरेशन बद्री का नाम दिया था। पाकिस्तान ने 3 चरण में ऑपरेशन बद्री को बांटा था। पहले चरण में द्रास, करगिल और बटालिक के पहाड़ों में घुसपैठ करके लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग करना, जिससे भारत का व्यापक कश्मीर विवाद का समाधान के लिए बातचीत करने का मजबूर करेगा। दूसरा, पाकिस्तान का यह भी मानना था कि कोई भी तनाव कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर देगा, जिससे उसे स्थायी समाधान हासिल करने में मदद मिलेगी। साथ में सक्रिय भूमिका निभाकर भारतीय राज्य कश्मीर में एक दशक से चले आ रहे विद्रोहियों का मनोबल को भी बढ़ाना। तीसरा, भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से पीछे हटाना और भारतीय सेना को पकड़ सियाचिन ग्लेशियर में कम करना। शांत लद्दाख क्षेत्र के इस करगिल जिले में पाकिस्तानी घुसपैठ की सूचना स्थानीय चरवाह द्वारा दी गई और घुसपैठ के सीमित जानकारी के लिए भारतीय सैनिक ने मान लिया था कि घुसपैठ ये जिहादी है, जैसा कि पास सेना ने सोचा था। भारतीय सैनिक ने घोषणा की कि वे कुछ दिनों के भीतर ही उन्हें बाहर निकाल देंगे। घुसपैठ के रिपोर्टों के जवाब में भारतीय सेना ने गश्ती दल भेजे, जब गश्ती दल के 5 अन्य सैनिकों के साथ कैप्टन सौरभ कलिया को 15 मई 1999 को एक भीषण मुठभेड़ के बाद पाकिस्तानी सेना ने जिंदा पकड़ लिया और बंदी बना लिया। पर साथ पाकिस्तानी सेना की भारी गोलाबारी से करगिल में भारतीय गोलाबारूद के भंडार क्षतिग्रस्त कर दिया। तब भारतीय सेना को एहसास हुआ कि हमले की योजना बहुत बड़े पैमाने पर है और घुसपैठ की खोज के बाद पता चला घुसपैठियों द्वारा जम्मू कश्मीर के करगिल जिले और नियंत्रण रेखा के साथ अन्य क्षेत्रों पर लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय पहाड़ी हिस्से क्षेत्र पर कब्जा हो गया है। पाकिस्तानी घुसपैठ निचले मुस्कु घाटी की ऊंचाई पर द्रास में मारपुला रिज लाइन के साथ, कारगिल के पास टक्सर में, सिंधु नदी के पूर्व बटालिक सेक्टर में, चरबतला सेक्टर के ऊपर की ऊंचाई पर जहां एलओसी के उत्तर की ओर मुड़ता है, और सियाचिन क्षेत्र के दक्षिण में तुर्तुक सेक्टर में भी किया। प्रमुख रूप में टोलोलिंग, टाइगर हिल, राइनो हॉर्न टॉप और 0.4875 में अपने पूरा कब्जा बना लिया था। इस गंभीर स्थिति में भारत सरकार ने 2000 भारतीय सैनिकों को तैनात करके ऑपरेशन विजय के साथ जवाबी कार्रवाई शुरू किया। युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कारगिल में, उसके आसपास के क्षेत्र में बड़ी तादाद में पाकिस्तान से सशस्त्र घुसपैठिए आए हैं।